गंगा दशहरा पर राजघाट नर्मदा तट पर महाआरती दीपदान रात्रि में हुई भजन संध्या नर्मदा तट रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भजन संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वही महाआरती में नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान और विधायक राजन मंडलोई, सांसद प्रतिनिधि मिथुन यादव, SDM भूपेंद्र रावत, CMO कुशला सिंह डोडवे, अजय सिंह ठाकुर, संचिन शुक्ला, नर्मदा तट संरक्षण समिति सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वही गायत्री शक्तिपीठ ने भी रोहिणी तीर्थ राजघाट में नर्मदा तट पर गंगा दशहरा के साथ महापरायण दिवस मनाया। सामूहिक गायत्री मंत्र का जाप किया। इसी के साथ पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ में आहुति डाली। वही डूब प्रभावित के पुनर्वास गांव में पौधारोपण करने का संकल्प लिया। जिला समन्वयक गायत्री परिवार महेंद्र भावसा। आज यहाँ नर्मदा किनारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज गंगा दशहरा भी है और गायत्री जयंती भी है। क्या कार्यक्रम था आज के कार्यक्रम में? हमारा गायत्री जयंती जो उत्सव है, ये महत्वपूर्ण उत्सव है। इसी दिन हमारे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का महाप्राण हुआ। महाप्राण दिवस के अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार द्वारा श्रद्धा संवर्धन अखंड दीप जन्म शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं। 2023 से 26 तक 3 वर्ष तक ये अनुयाज क्रम चलेगा। प्रथम वर्ष में अनुयाज क्रम में आज गायत्री जयंती से अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में बड़वानी जिला और धार जिला के संयुक्त तत्वावधान में गायत्री परिजनों और घाट संरक्षक समिति सभी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया है कि क्यों न हम जो नर्मदा तट के क्षेत्र भी प्रभावित थे, पुनर्वसाव गांव जो गए हैं, उन गांवों के घर के आंगन में एक एक वृक्षों का रोपण करेंगे और उन गांव में हरितिमा संवर्धन के साथ साथ व्यसन मुक्ति अभियान चलाएंगे, कुरीति उन्मूलन चलाएंगे और हमारे गायत्री परिवार का सप्त आंदोलन है वो सब मिलकर 3 वर्ष तक सतत चलाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने ये आयोजन राजघाट तीर्थ पर रखा। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी तो थे ही थे, पूरा भक्त मंडल था, सामाजिक संस्थाएं थी और हमारे धार जिले, खंडवा जिले और बड़वानी जिले के गायत्री परिजन भी उपस्थित हुए थे। तो कार्यक्रम को संचालित करने के लिए गायत्री धाम से पंडित मेवालाल जी पाटीदार की टीम थी, जिन्होंने संदेश देकर 24 अग्निहोत्र यज्ञ और 108 दीपक की आरती से दीपदान कराकर वृक्ष गंगा अभियान का यहाँ से प्रारंभ किया और 108 वृक्ष 24 ग्रामों के प्रतिनिधि को यहाँ से वितरित किए गए। नर्मदेश्वर, आज गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में मां रेवा के तट पर सामूहिक आरती का आयोजन किया गया है और नगर के सभी नगर वासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गंगा दशहरे का आयोजन नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है और सभी ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए सभी का धन्यवाद। RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।